विशेष दिवाली ऑफर, हमारे यहाँ सोन पापड़ी किराए पे मिलती है भाई। यो की सौदा है, तारे ही फायदे का सौदा है बिलोटा भाई। यहाँ मैं पांचों उंगली घी में और सर कढ़ाई में, कतई मोज ही मोज है किराए की मिठाई में। तुम एक बात बताओ, तुम सोन पापड़ी का डब्बा खरीद के भी क्या कर लोगे? अरे क्यों, अपने पड़ोसी गुप्ता जी को दूंगा। वही तो, गुप्ता जी सरका देंगे, शर्मा जी को शर्मा जी चिपका देंगे, वर्मा जी का एक ही काम चिपका देना, बैसोया जी को बैसोया जी चिपका देना, बैसला जी को बैसला जी चिपका देंगे, यादव जी को यादव साहब चिपका देंगे, ठाकुर साहब को ठाकुर साहब चिपका देंगे, नागर साहब को और नागर साहब, तो आखिर में दे ही देंगे चौहान साहब। और चौहान साहब किसके पड़ोसी हैं? मेरे। और चाटा देने के अलावा आपको क्या क्या दे मैं चौहान साहब दिवाली पे? सोन पापड़ी। जब सोन पापड़ी तम पे घूम फिर के आनी है तो खरीदने की क्या जरूरत है, किराए पे लो और घुमाओ। कैसी लगी स्कीम? मम्मी मोह जल्दी राम जाने की जरूरत ही क्या है, मैं अपने याडी कतई जहर मिष्ठान भंडार वाले से लूंगा सारी मिठाई अपने रिश्तेदारन को। नमस्कार जी, कैसे हो? हाँ, मैं सबसे पहले क्या काम करता हूँ, बुआ को 10 किलो काजू की कतली पैक करवा देता हूँ। हैं? बुआ को डायबिटीज है? अरे यार, बुआ की भी बड़ी छटोरी जीभ है। फिर मैं दादी को 5 किलो डोडा बर्फी पैक करवा लूं, दादी को मिठाई ना पसंद है। हाँ, मिठाई कहाँ पसंद होगी, वह तो खून पीना पसंद है। फिर एक काम करता हूँ, भोपाल वाले मौसा को, भोपाल वाले मौसा मर गए। अच्छा, राजस्थान वाले मरे हैं, 250 रुपये उन पे मेरे उधार वैसे। चलो कोई बात ना। फिर मैं फाइनल एक काम कर रहा हूँ, हमारे मौसा के जो छोटे छोटे बालक है ना, उनको छोटे छोटे लड्डू पैक करवा लेता हूँ, वे अपने लड्डू पिल्ला को खवा दे। मैं बड़े बेकारे बालक हैं आजकल के भी। फिर तुमने मुझे मिठाई वाले की दुकान पे भेजो क्यों है, जब कुछ सिस्टम ही ना है लाने का? ओहो, बूंदी चाहिए तुम्हें है तो मिठाई की दुकान पे क्या भेजने की जरूरत है मुझे? पहले बता देते, मैं मंदिर के बाहर जाऊंगा और कहूंगा भैया बूंदी दे दे, कोई भी यार रहा चलता आदमी प्रसाद बांट रहा दे देगा। हाँ ठीक है भाई साहब, बात नहीं बन पाई, सॉरी। हाँ हाँ मम्मी, फिर मैं पहुंचूंगा मंदिर। ओ गाड़ी पीछे पीछे, दुकान के आगे नहीं बोनी का टाइम है, पीछे कर पीछे कर। अबे शाम को कौन सी बोनी पे, शाम सुबह रात जब मेरा मन करेगा जब करूंगा, मेरी दुकान मेरी बोनी, मार के कोनी कर दूंगा नोनी, पीछे पीछे। पर ग्राहक को दिक्कत होगी आने में। ओ माइकल चुम्मा कर, पीछे ले बाइक, दुकान के आगे नहीं बोनी का टाइम है, और बिना हेलमेट के बाइक चला रहा, फेफड़े किडनी सब बेकने पड़ जाएंगे चलानों का। पीछे ले पीछे ले, दुकान के आगे लगाएंगे। और भैया क्या चल रहा है? पंखा चल रहा, टीवी चल रहा, रॉकेट चल रहा, MPL भी चल रहा। अरे इस बतीसा से मुंह से कभी तो सीधे बात कर लिया करो, जब देखो इस फोन में घुसे रहो। फोन में MPL प्रो पर रमी खेल रहा हूँ। अरे दिवाली पर रमी खेलने का मजा तो घर में आवे है। आवे तो है, लेकिन वहां में तो घर पे बैठे बैठे 1 लाख रुपया जीत पावे। 1 लाख? इतने पैसा तो मैंने बचपन में देखे और आज तक ना पता उसमें कितनी जीरो हूँ मैं। यही तो, चप्पल सी बद्दी के मुंह के 70 मर्ग दूधिया, इसकी यही तो खासियत है, इसमें तू 1 लाख रुपए तक के ग्रैंड प्राइज जीत सके, वो भी मिनिमम रिस्क पे। ये देख। और अब भैया तुम तो सही में जीत गए, इस बात पे मुंह मीठा करा दो और मेरे फोन में भी MPL डाउनलोड करके मुझे दे देना। चल तू भी क्या याद रखेगा, ये ले रॉकेट बर्फी, या मैं तेरी इनकमिंग आउट गोइंग सब चालू हो जाएगी। अरे भैया एक दो डिब्बा और दे देते, मैं अपनी सेटिंग को भी दे दूंगा। बाजल, सेटिंग को देगा दूध में देवे पानी, सेटिंग को डिब्बे देगा। अरे मत दो, हम तो एक डिब्बा में ही गुजारा कर लेंगे। तक से मुंह का, सेटिंग को देगा, अरे हमारी ना होती सेटिंग, सबकी है। अरे अमित जी, सब क्या है, प्लेन प्लेन सा। प्लेन ना चाहिए तुम्हें तो हेलीकॉप्टर दे दें। ओफो, थोड़ा सा डेकोरेशन करके तो पैक करो भाई, त्योहारों का सीजन है। अरे आपको चाहिए क्या ये बताओ। अरे थोड़ी सी पिन्नी डेकोरेट करो, घिया बर्फी, डोडा बर्फी, बेसन के लड्डू, केसर बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, घिया बर्फी, डोडा। कमाई कमाई। कितनी मिठाइयां हैं?
फटाफट से पैक करो। अबे तुमने सुना नहीं क्या मैडम जी क्या कह रही है, कमाई कमाई है आज। चलो फटाफट डिब्बे ही डिब्बे निकाल दो, पन्नी पन्नी पैक कर दो। हो रहे एक्सक्यूज मी मैडम, हो गई। अरे वाह मोटी कमाई, पेमेंट कैसे लेंगे, चेक से नहीं। अब मेरे साथ फोटो भी ले रही हो, तुम्हें पहले फोटो चाहिए। साइड हो जाओ, तू हट ले, तू हट ले। अमित ये सब वापस रख ले। पैक करो। व्हाइट वाली टेस्ट करा, पीली वाली। एक काम कर, नीचे वाली टेस्ट करा। क्या चाहिए सर आपको? भाई साहब मुझे आपकी दुकान की सबसे बेहतरीन मिठाई चाहिए। कोई दिक्कत ही नहीं है, रॉकेट बर्फी, ओबामा, पुतिन, मोदी जी, शाहरुख, सलमान, नाम कम पड़ जाएंगे आपके पास। सारे यहीं लेके जाते हैं, चाहे होली हो, दिवाली, कोई सा त्योहार हो। मालिक इतना टाइम है उनके पास? काम कर अपना। भाई साहब जितनी मुझे मिठाई चाहिए ना उतने डिब्बे नहीं होंगे आपके पास। क्या बात कर रहे हो जी, कमी नहीं है। 100 ग्राम तोल दे। 100 ग्राम 5 किलो मिठाई टेस्ट करके चश्मा दिखाएंगे, इसकी दस्त लग जाएंगे। 5 किलो मिठाई खा के डंडला, 5 किलो मिठाई खा के 100 ग्राम छाती पछाड़ा ना, चला मेरी छाती में गाड़ी, दुकान के आगे नहीं लगने दूंगा। पीछे कर, पीछे कर। अंकल क्या मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर लूँ? अरे बेटा तू तो लगा ले, तू कौन सा जगह गिर रहा है? आ जाओ पापा, मिल गई पार्किंग। ओए ओए दुकान के आगे गाड़ी नहीं लगाने दूंगा। छोड़ मेरे पापा को, छोड़ मेरे पापा को। बेटे ओए बोल बे चोर, एक और प्रसाद दूंगा इधर। ना 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 सेंटीमीटर के हिसाब से, पूरे दिन फोन में लगा रहे। क्या कह रहा है फोन में, दुकान कौन संभालेगा? मालिक मालिक जो आप दूधिया को स्कीम बता रहे थे ना MPL प्रोग्रामी के बारे में, थोड़ा सा ज्ञान मैंने भी चुरा लिया। चुरावे बहुत है ना तू, 2000 के गल्ले में 3 करारे नोट रखे थे। कांगे कांगे मालिक वो देखो यूनिट अंडर टिप टिप बरसा पा। कहां है बे? किसी ने देखा था नहीं यार, यू रवि ने टंडन बुढ़ापे तक नुकसान कराएगी मेरा। ए पकड़ो इसे यार। चप्पल सी बद्दी के मुंह के 70 मर्ग दूधिया, जब तो पता हो दिवाली को सीजन चल रहा है, कम से कम यह टाइम पे तो मुझे पान दूध है मेरे थोड़े टाइम से भिजवा देकर। सब बात ठीक है, धंधे के ऊपर कुछ नहीं छोड़ूंगा, इस सदी का सबसे जेन्युइन दूधिया हूं मैं। तो कल तुम्हारी दुकान से जब रॉकेट बर्फी गई ना, और जब से मैंने खाई है पेट में इतनी गड़बड़ है, अपनी आउटगोइंग फ्री होती जा रही है बहुत, अब तक भी है। रॉकेट बर्फी के आविष्कार के बारे में कुछ भी मत ना बोले, चलो फ्लैशबैक में। दूध में रॉकेट, मालिक ये दूध तो बेकार हो गया। दूध तो खराब नहीं होने दूंगा, मैं आविष्कार करूंगा 12वीं फेल ये साइंस का स्टूडेंट, रॉकेट बर्फी बनेगी इस बेकार दूध की। चलो अब वापस आ जाओ। इतना बड़ा आविष्कार तो है पता, रॉकेट बर्फी के आविष्कार के लिए इसरो ने मुझे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट करा। चल फेंको कहीं का। जूस भी? जूस तो ना मिला मैडम जी यहाँ पे। यहाँ कोई शुगर फ्री मिठाई मिलेगी क्या? शुगर भी नहीं फ्री दे सकते जी, कतई भी 49 रुपए किलो चल रही है, ऐसे कैसे फ्री दे दे मैं तुम्हें? ओफो यू आर इंग्लिश फ्री, आई मीन कम चीनी की मिठाई। हिंदी में बताओ जी क्या चाहिए तुम्हें? 1 kg काजू कतली दे दो, उसमें शुगर नहीं होना चाहिए, फैट नहीं होना चाहिए, ग्लूटेन नहीं होना चाहिए, और मिल्क तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा वो वाली मिठाई चाहिए ना तुम्हें, 1 मिनट दो। जूस में मैडम हाथ करना, ये लो।
What is this? मिठाई है, अपना दूध घी खोया नमक मिर्च सब निकालने के बाद यूं ही बचेगा। यार ठूस लो आराम से, सारी खा लियो। पैसा काट, 350 रुपया छोटू। हाँ हाँ ना होती है। Excuse me भाई साहब, 5 किलो रसगुल्ले पैक कर दीजिए। अभी लो जी। मैं तो कभी भी ना ले हूँ रसगुल्ले। आजकल चीनी में मिलावट इतनी आ रही है, खांड मिला दे। मैं भाई साहब रसगुल्ले रहने दो, बर्फी दे दो। बर्फी में तो और भी मिलावट है, खोया ही नकली आ रहा। आदमी इतना नकली ना जितना खोया नकली आजकल। रुको रुको, ये गुलाब जामुन दे दो। परसों हमारे कुत्ते ने खा लिया यहाँ के, उसके पिल्ले के दस्त लग गए। मिल्क केक वो तो बिल्कुल मत लेना जी, बिल्कुल मत लेना, लीवर फेल हो रहे हैं। और ये काजू कतली बिल्कुल भी मत ले लियो, हमारी बिल्ली का पेट खराब होगा, पूं कर रही है। भाई साहब आप रहने दो, मैं कहीं और से ले लूंगा। अरे टेस्ट तो कर लो भाई साहब। अरे 5 रुपए के बतीसे ही खा जाओ। और जीजा जी कैसी चल रही है दुकान? वह दुकान तो तब चलेगी जब तू चलने देगा। आया बड़ा हेल्थ मिनिस्टर, आज मैं करूंगा तेरा ऑपरेशन, आज मैं तुझे खत्म करूंगा तेरा। आया चल क्या जीजा।